अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज जो है मैं इधर एक स्टूडेंट है मोहम्मद उमर, तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो उनके आइडियाज़ भी लेते हैं ना, सबके आइडियाज़ लेने चाहिए, बच्चों के भी लेने चाहिए, बड़ों के भी लेने चाहिए, फीमेल के लेने चाहिए, कि वो क्या कहते हैं। और अगर कुछ उनको मालूमात इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको देंगे, ठीक है। तो अच्छा उमर कैसे हैं आप? जी सर अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि स्पोर्ट्स बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? स्पोर्ट्स बच्चों के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके लिए उनका वो रिलैक्स भी हो जाते हैं और उनके लिए स्ट्रेस भी नहीं पड़ती और वो उनके दिमाग, मेरा मतलब माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है और वो फिर रनिंग करना सीख जाते हैं और सब कुछ उन्हें पता चल जाता है स्पोर्ट्स के बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका ये मतलब है कि वो जो है ना, जो उन पर स्टडी का स्ट्रेस होता है ना, वो उनसे थोड़ा हल्का हो जाता है। और बिल्कुल, और उनकी फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है, फिजिकल फिटनेस और उनके बोन्स भी, मसल्स उन्हें मिलती है, मसल्स वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं, साथ जो है उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। और आपको पता है ना, आपको पता है आजकल जो है कोरोना वैसे भी है, और कोरोना के लिए जो बेस्ट वो ट्रीटमेंट है वो जो है वो इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना है। और एक्सरसाइज हर रोज करे, एक घंटा या दो घंटा या ना, एक घंटे की जरूरत नहीं है, एक घंटा तो वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो एक घंटा दो घंटे करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। 30 मिनट्स करें, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, आप इतना इस तरह कर सकते हैं। अच्छा मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है ना कि आप जो स्कूल्स है ना, तो उसमें स्पोर्ट्स के लेसन कितने होने चाहिए एक वन वीक में, एक क्लास के लिए? मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के लेसन थ्री पीरियड्स हो जाए, कि एक में एक लेसन में फुटबॉल खेलेंगे, एक लेसन में वॉलीबॉल खेलेंगे और एक लेसन में क्रिकेट या बैडमिंटन, हाँ, जो भी इधर, तो या टेबल टेनिस। आपके स्कूल में तो बहुत फैसिलिटीज है ना, फैसिलिटी बैडमिंटन भी है। आप वैसे आपका कौन सा स्कूल है? ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल, BHS पिशावर। सीनियर, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? इधर हम फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल खेलते, बैडमिंटन खेलते, टेबल टेनिस और बैडमिंटन एटसेट्रा। वो भी है ना, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, दूसरा हैंडबॉल भी खेलते हैं, रेसिस भी होती है, रेसिस, और उधर वो भी होती कि हम कभी कभार एक्सरसाइजेस भी एक्सरसाइज करते हैं और चेस भी खेलते हैं, लड्डू भी खेलते हैं, लड्डू, और उसके बाद हाँ वो और भी खेलते हैं। मतलब सारे फैसिलिटीज आपके स्कूल में है ना, माशाल्लाह। अच्छा तो एक सवाल मेरा आपसे और है, ठीक है, और वो ये है कि आप कौन से स्पोर्ट्स को पसंद करते हो, फेवरेट स्पोर्ट्स आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट जो आप खेलते हैं, एक तो आप देखते हैं ना, नहीं जो आप खेलते हैं वो कौन सा स्पोर्ट्स है? सर मेरा ये अच्छा स्पोर्ट्स है ना कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, फुटबॉल, और एक फेवरेट कौन सा है? एक सबसे ज्यादा फेवरेट ये है ना कि मैं ये खेलना चाहता हूँ टेबल टेनिस, क्योंकि हाँ वो अच्छा है। अच्छा अच्छा, और वैसे देखते कौन सा हो ज्यादा, मतलब टीवी पर कौन सा? टीवी में ज्यादातर क्रिकेट और फुटबॉल भी देखता हूँ, फुटबॉल भी देखता हूँ। अच्छा क्रिकेट में अभी जो पाकिस्तान वो हो रहा है ना, PSL हो रहा है, उसमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? फेवरेट टीम मुझे उनकी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया। ना 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 ना, PSL में। हाँ PSL में मेरा ये टीम मुझे ये अच्छा लगता है ना कि मुल्तान सिंह, क्योंकि शायद वो तो नहीं खेल रहे, वो तो रिटायर्ड हो गया। जब वो पहले खेलते थे ना मुझे वो अच्छे लगते थे ना। अच्छा नहीं, अभी अभी आपका कौन सा फेवरेट है, कौन सा टीम? अभी मुझे बस मुल्तान का टीम अच्छा, अभी भी हाँ, शाहिद अफरीदी के अलावा भी क्योंकि मुल्तान में ऐसा लगता है। अच्छा और ये जो आपके जो फुटबॉल देखते हो ना, कौन सी टीम आपको अच्छी लगती है, कौन सी मुल्क? ये फुटबॉल, ये पेशावर से, पेशावर से, ये तो मुल्क नहीं है पेशावर। मतलब कौन से, ब्राजील, फ्रांस, कौन सा मुल्क आपको उसमें? बस ब्राजील पसंद है, ब्राजील पसंद है। और उसमें जो क्लब्स होते हैं ना, रियल मैड्रिड या बार्सिलोना, उसमें कौन सा है? तो उधर हाँ वो आप देखते हो, वो टीमें उनकी मैचेस देखते हो? उनकी टीमें मुझे थोड़ी, यूरोपियन लीग जो होता है और
वो नहीं देखते? कभी कभार भूल जाते हैं कोई। अच्छा, मतलब देखते नहीं हो वो। अच्छा ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमें इंटरव्यू दी। ठीक है जी सर।